अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको अपने वूफर्स का रिव्यू दिखाऊंगा। दोस्तों ये वूफर मैंने 1.5 साल पहले लिए थे, तकरीबन उस वक्त मुझे 8500 के मिले थे ये वूफर। ये ऑडियोनिक के वूफर हैं और इनका मॉडल BT850। तो BT850 इनका मॉडल है। तो दोस्तों ये जब मैंने लिए थे उस वक्त तो मुझे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब लेकर मैं इनको घर आके इसको इंस्टॉल किया और इसको यूज़ किया तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। इस रेंज में दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इससे ज़्यादा अच्छे वूफर्स आपको नहीं मिल सकते। ये एक नॉर्मल रूम के लिए तो आउट क्लास है, और नॉर्मली मैंने देखा है इस तरह के वूफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होते हैं आपके रूम के लिए। अगर आप इनको रूम से बाहर यूज़ करें तो इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। लेकिन ये वाले जो वूफर्स हैं इनको दोस्तों मैंने आउट ऑफ रूम यानी के ओपन एयर में मैंने इसको यूज़ करके देखा है, बाहर भी दोस्तों इसकी आउट क्लास परफॉर्मेंस है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वूफर्स लेने हैं तो इस तरह के BT मॉडल के जो वूफर्स हैं वो लें। BT850 के बाद भी एक मॉडल आया था, उसमें ये इसके साइड्स पे जो लेफ्ट राइट पे स्पीकर्स हैं इसके अंदर दो हैं, उसके अंदर गालबन चार या पांच हैं, लेकिन उसका वूफर का साइज सेम इतना ही है। वो सिर्फ इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाले वूफर्स आप ले लें, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, इसके साइज की और इसकी डायमेंशंस की। तो दोस्तों अगर इसको यहाँ से ऐसे नोट करें तो ये 15 इंच इसकी हाइट है, और अगर इस तरह से देखें तो दोस्तों ये तकरीबन 8 इंच है, और अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये भी तकरीबन 15 इंच से तो थोड़े कम ही है। तो उसके अलावा अगर इसकी बैक से मेजरमेंट की जाए तो दोस्तों ये तकरीबन 11.5 इंच है, तकरीबन 11.5 इंच से ज़्यादा ही है, 12 इंच है। और उसके अलावा दोस्तों इसके वूफर्स की बात कर ली जाए तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करके इसके वूफर का साइज चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसकी राइट साइड पे इसका मेन इसका सब वूफर है, इसका मेन पार्ट इसको चेक कर लेते हैं। इसकी जाली तो वैसे तकरीबन जाली से मेजर करें तो 9 इंच बन रहा है, लेकिन इसके अंदर हम असल में इसका एक्चुअल साइज देखेंगे कि इसके वूफर का साइज क्या है। तो ये तकरीबन दोस्तों 7 इंच के करीब करीब है, 6 इंच से बड़ा है और 7 के करीब करीब है। ये देखा आप देख सकते हैं 6 इंच यहाँ पे आ रहा है, 7 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो उसके दरमियान में इसका साइज है। तो आप इसको कह सकते हैं 6.75 इंच, इसको कह सकते हैं 6.75। तो इसको ज़रा बंद कर लेते हैं, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसकी बैक साइड है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर का जैक अवेलेबल है जो कि FM यूनिट के एंटीने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। एक राइट साइड और लेफ्ट साइड की इनपुट पोर्ट है, और एक लेफ्ट साइड राइट साइड की आउटपुट पोर्ट है। इसके अलावा एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इसके अलावा इसकी बैक साइड पे कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये कुछ रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डू नॉट ओपन लिखा हुआ है, आई गेस इसके अंदर फ्यूज असेंबली वगैरह होगी, अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। उसके बारे में बाद में, अगर ये इन फ्यूचर ख़राब होता है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके लेफ्ट साइड का भी ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। लेफ्ट साइड पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका एक एग्जास्ट दिया है इन्होंने ताकि इसकी एयर एग्जास्ट हो सके, और अंदर मुझे एक नेट भी नज़र आ रही है जाली जो कि इसके अंदर से कोई चीज़ इसके अंदर जाए तो उसको डैमेज ना कर सके। तो दोस्तों चलिए अब इसको फाइनल थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका मेन इंटरफेस है और ये इसका रिमोट है, ये अभी ऑफ कंडीशन में है, इसको मैं ऑन करता हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिया, ये ब्लूटूथ के ऊपर आ गया, ये स्पीकर जो है ब्लूटूथ स्पॉटेड है, इसमें FM रेडियो भी है, MP3 USB भी लग जाती है, SD कार्ड भी लग जाता है। तो उसके अलावा दोस्तों इसके फ्रंट पे एक वॉल्यूम का है ऑप्शन, चैनल प्लस माइनस है, और नेक्स्ट
बैक की ऑप्शन है, उसके अलावा फ्रंट पे बेसिक डिस्प्ले है, इसके अलावा इसके में इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो ब्लूटूथ पे अब मैं अपने मोबाइल को इसके साथ अटैच करता हूँ, ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ ऑन कर लिया, ये ऊपर लिखा आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये किसी और चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। मैं इसको ज़रा कॉन्फ़िगर कर लूँ। तो दोस्तों ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, अब मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ। दोस्तों ये इसका साउंड इस तरह का, ये मिरर क्रैकिंग बेस देता है, यानी कि इसको मैंने अपने घर में अगर अपने रूम में लगाया होता है तो जिस केस में हमने बर्तन वगैरह रखे होते हैं, शीशे के क्रॉकरी वगैरह होती है, वो सारी बिखर के टूट जाती है। तो इस वजह से मैं इसका वॉल्यूम कम ही रखता हूँ, इसको ज़्यादा नहीं करता। और इसमें जो मेन दोस्तों इसकी मुझे बात पसंद आई, अगर आपने ब्लूटूथ के साथ अपने मोबाइल से कनेक्टेड किया तो आप उसको यहाँ से रिमोट से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही वो ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आपका रिमोट और मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यहाँ से ही आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ से ही आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ये मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से मैं नेक्स्ट सॉन्ग लगा सकता हूँ। ये इसका मेन पार्ट है, मेन फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो दोस्तों इसका ओपन एयर में भी मैं इसका रिव्यू लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसका ओपन एयर में भी इसका रिजल्ट आपको चेक कराऊं। ओपन एयर में ये होगा कि मैं आपको इसकी फुल वॉल्यूम करके इसका चेक करवा सकूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको कंपेयर करूंगा अदर वूफर्स के साथ जो ऑडियोनिक ने इसके बाद निकाले थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कमेंट्स है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।